के चौथे चरण में अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से दरभंगा तक साइकिल पर बैठा कर ले जाने वाली ज्योति की चारों तरफ चर्चा हो रही है। जब ये खबर व्हाइट हाउस पहुंची, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका भी ज्योति की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। इवांका ट्रंप ने भी ज्योति की ट्वीट कर जमकर तारीफ की। इवांका ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि 15 साल की ज्योति कुमारी अपने घायल पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले आई। सहन शक्ति और प्यार की इस वीर गाथा ने भारतीय लोगों और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ज्योति के जज्बे की तारीफ भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ने भी की है। ज्योति के हौसले और बुलंद इरादों की तारीफ इस समय हर कोई कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ज्योति को 1,00,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ज्योति 10 मई को गुरुग्राम से अपने गांव की तरफ निकल पड़ी थी, जिसके बाद 16 मई को वो अपने घर पहुंची। रास्ते में तमाम कठिनाइयों के बाद भी ज्योति ने वो कर दिखाया जिसे सोच पाना भी नामुमकिन है। इस दौरान ज्योति की कई लोगों ने मदद भी की। ज्योति कहती है कि वो रात को किसी पेट्रोल पंप के पास रुक जाते थे और फिर सुबह आगे का सफर शुरू करते थे। आपको बता दें कि इवांका ट्रंप को ज्योति की कहानी की जानकारी तब हुई जब भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने ज्योति से संपर्क किया। दरअसल स्थानीय प्रशासन के जरिए ये खबर सीएफआई तक पहुंची थी। भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने ज्योति को ट्रायल का एक मौका देने का फैसला किया है। साइकिलिंग फेडरेशन ने ज्योति को ट्रायल के लिए बुलाया है, जिस पर ज्योति ने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी मेरा ध्यान आगे की पढ़ाई पर है। लेकिन लॉकडाउन के बाद वो दिल्ली जाकर ट्रायल जरूर देंगी। वो पढ़ाई के साथ साइकिलिंग भी करना चाहती हैं। न्यूज डेस्क।